नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हो? काफी दिनों बाद लाइव आ रहा था मैं मोबाइल से। अभी मैं आया हुआ था कोटा बेटी के पास, तो बैठे बैठे एक सूचना मिली थी कि पशु परिचर भर्ती फॉर्म भरने स्थगित। अब क्या हुआ कि इस बात को लेकर बहुत सारे बच्चों ने ये सोच लिया कि ये पशु परिचर भर्ती संपूर्ण स्थगित हो गई, और ये बच्चे नीचे कमेंट कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है पुलिस का फिजिकल भी नहीं होगा। विकास शर्मा जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ और ऐसा ही होने वाला है सर। पुलिस फिजिकल भी आगे होने की थोड़ी संभावना नजर आ रही है, बिल्कुल निश्चित रूप से नजर आ रही है भाई, इसमें नो डाउट, क्योंकि अभी तक परमिशन आई नहीं चुनाव आयोग की, तो ये भी आगे हो सकता है थोड़ा। सर सतवीर कलाम क्लासेस नोर से राम राम। बिल्कुल सतवीर जी, आपका राम राम। कुछ नहीं कम करो, कोई बात नहीं। आप तो, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस चीज़ की चिंता मत छोड़ करो कि वैकेंसी की एग्जाम की डेट आपको घोषित हो चुकी है। एग्जाम कब होना है? जब एग्जाम की डेट आपके घोषित हो गई तो फॉर्म तो एक दो महीने लेट भर देंगे, दिसंबर में फॉर्म भरेंगे, मई जून में एग्जाम हो जाएंगे आपकी, क्या चिंता है आपको? आप अपनी तैयारी करें, लगातार तैयारी जारी रखें, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है भाई। ये भर्ती स्थगित नहीं हुई है, ये माने भर्ती स्थगित नहीं हुई है, फॉर्म भरना स्थगित हुआ है, उसकी एक प्रक्रिया स्थगित हुई है। हो सकता है कि चुनाव आयोग इसके लिए परमिशन दे दें तो दोबारा फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी इसमें परमिशन नहीं मिली तो ये लेट हो सकती है। फॉर्म भरना लेट, भर्ती मेरे प्रक्रिया मेरे को लग रहा है बाकी यथावत रहेगी, एज इट इज यही बात हुई थी। और पुलिस कांस्टेबल भर्ती का बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो देखो पुलिस कांस्टेबल भी आगे जा सकती है, अब इसके बारे में क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी परमिशन आई नहीं। परमिशन आती तो आज तक तो आपके प्रवेश पत्र डलने स्टार्ट हो जाते, तो अब आप ये मान के चलें कि हो सकता है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती भी आगे हो जाए। थोड़े कमेंट पर रहूं। देखो, कोचिंग वाले कोर्स बेचे या ना बेचे, ये तो आप लोगों का खुद का विवेक काम करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लोगों को पहले से अगर तैयारी नहीं करोगे, आज आप देख लो जिस बच्चे की तैयारी 6 महीने की है वो ही कंपटीशन में फाइट कर पाता है। आप क्या सोचते हो कि आज वैकेंसी आई, कल मैं फॉर्म भरूं और कल कोचिंग ज्वाइन करूं और उसके बाद मेरे हाथों हाथ सिलेक्शन हो जाए, मैं नौकरी? ये कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, पर मोस्टली जो लिस्ट होती है वो लंबे समय से जो तैयारी करते हैं 6 महीने 8 महीने, वही लोग आगे आते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि अभी आपके पास ये जो बीच वाला रेस्ट वाला काल है, जो विराम वाला है, युद्ध विराम वाला काल है, आप उसमें अपने को बिल्कुल मजबूत कर लो, तैयारी कर लो, सेलेक्ट कर लो कि आपको भविष्य में जब दोबारा